फोटोशॉप के अंदर इस तरह का डिज़ाइन कैसे क्रिएट करते हैं सिंपल और इजी तरीके से, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए नॉर्मल सा एक फ़ोटो प्लस इस तरह का बैकग्राउंड बना हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगा। और देखिए एक और डिज़ाइन और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है बैकग्राउंड के साथ, देखिए मिक्स किया हुआ है, यहाँ लाइट दिया हुआ है, सिंपल सा डिज़ाइन है। तो चलिए देखते हैं, दोनों डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगा, ये वाला भी बताऊंगा, प्लस आपको यहाँ पे जो पहला वाला डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था ये वाला भी मैं आपको बताऊंगा। इजी तरीका है और ये मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप 7.0 के अंदर बताऊंगा। तो आपके पास फोटोशॉप का जो भी वर्सन हो, चाहे नया वर्सन हो चाहे पुराना वर्सन हो, किसी में भी आप कर सकते हैं, पुराने और नए में सब में आप कर सकते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे ये डिज़ाइन बनाएंगे हम लोग, बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, फोटोशॉप को ओपन करना है, उसके बाद यहाँ फाइल में जाना है, न्यू में क्रिएट, न्यू में क्लिक करना है। तो न्यू का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पे आप चाहें तो नाम दे सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे साइज, यहाँ पे जिस साइज़ में भी आपको क्रिएट करना है, यहाँ से आप अपना डिज़ायर अपनी इच्छा अनुसार आप साइज ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं 1280x720 का साइज लेता हूँ, पिक्सल में साइज लिया हुआ है, देख सकते हैं रिजोल्यूशन 72 रखा है। मोड मैंने RGB कलर रखा हुआ है और बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो वाइट रखा हुआ है। और ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे नॉर्मल सा देखिए यहाँ पे पेज आ चुका है। अब क्या करना है हमें, यहाँ फाइल में जाना है, उसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे। इस तरह का ओपन का एक डायलॉग बॉक्स आता है। अब यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स मुझे डिज़ाइन के लिए लगेगा वो डिज़ाइन मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, अब कहाँ मिलेगा चलिए वो भी मैं आपको बताऊँगा। सिंपल तरीके से आपको वो डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए एक फोल्डर है PNG नाम से, उसमें सारे डिज़ाइंस बैकग्राउंड सब रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट ग्रॉन्ज बैकग्राउंड है, ब्लू बैकग्राउंड है। ये आपका फ्री पिक नाम का वेबसाइट है, वहाँ पे आपको freepik.com वहाँ पे जाइएगा, ब्लू एब्स्ट्रैक्ट ग्रॉन्ज बैकग्राउंड टेक्स्चर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे हम लोग क्लिक करते हैं, ये फिर मैं ओके पे क्लिक कर देते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब इस बैकग्राउंड को अपने पेज पे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे ड्रैग करते हुए अपने पेज पे लाकर रिलीज़ कर देता हूँ। अब इस ये जो विंडो आया हुआ है इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिज़ाइन काफ़ी बड़ा है, हमारे जो कैनवस साइज है, जो पेज हम लोगों ने लिया है उससे काफ़ी बड़ा है, तो इसको कंट्रोल टी से इसको स्केलिंग करेंगे, छोटा करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ दबाकर इस तरह से हम लोग ड्रैग करेंगे, कंट्रोल टी पहले प्रेस कीजिएगा और उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरह से आपको इसको स्केलिंग कर लेना है। ये देखिए मैं इसे स्केलिंग करके यहाँ पर लगा देता हूँ, ये देखिए ये ठीक है, इतना बड़ा काफ़ी है, ये देखिए मैंने इतना बड़ा यहाँ पे लगा दिया, ये बैकग्राउंड तो हो गया यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रश का बैकग्राउंड लाना है। तो यहाँ पे फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ से एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे देखिए ब्रश का इस तरह से बैकग्राउंड है, मिल जाएगा, गूगल में भी सर्च कीजिएगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे अच्छे इस तरह से ब्रश बैकग्राउंड मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए आ गया। अब इसे क्या करना है, सिंपली इस तरह से ड्रैग करके अपने इस डिज़ाइन वाले पेज पे लाके छोड़ देना है, इस तरह से रिलीज़ करना है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक ये जो डिज़ाइन है ठीक थोड़ा सा इस तरह से जैसे ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वाइट एरिया आपको दिख रहा है, इसके ऊपर इस तरह से रख देना है। अब यहाँ पर देखिए हाइड हो गया। अब ये जो बाकी हिस्सा बचा हुआ कंट्रोल टी से इसी तरह इसको स्केलिंग कर देना है। अब देखिएगा कर देने के बाद देखिए ढक गया। अब इसको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ, स्केलिंग हो गया। अब क्या करना है, ये जो ब्लैक हिस्सा है, अब ये इस एरिया को क्या करना है हमें, ये सिलेक्ट रखना है, लेयर का पैलेट में जाइए, देखिए यहाँ पे लेयर टू में देखिए ये वाला तस्वीर है ब्रश वाला। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो लेयर का पैलेट खुला हुआ है, यहाँ जो नॉर्मल लिखा हुआ है इसके बॉक्स पर डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए इस तरह से आपको बैकग्राउंड, देखिए जो पीछे जो बैकग्राउंड था वो आपको दिखने लगेगा इस तरह से। ये डिज़ाइन यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब क्या करना है इसमें, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे, सिंपल है। अब मैं तस्वीर लेके आऊँगा, यहाँ पर देखिए एक तस्वीर है जो बिना बैकग्राउंड का है,
पहले से मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, पीएनजी फॉर्मेट में है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पे क्लिक कर दिया मैंने। ये देखिए बिना बैकग्राउंड का तस्वीर है, कटिंग पहले से मैंने किया हुआ, सिंपल सा कटिंग किया है। अब इसको ड्रैग करके इस डिज़ाइन पे लाके हम लोग रख देंगे। ये देखिए आ गया है यहाँ पे। अब जो पीछे वाला जो विंडो है, ये जो खुला हुआ है, इसको हम लोग यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब इस तस्वीर को क्या करेंगे, कंट्रोल टी से यहाँ से इस तरह से स्केलिंग कर लेंगे, यहाँ पे इसको लगाएंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करना है इसको। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए इसको इस तरह से लगा देना है। अब देखिए चूँकि क्या है, ये देखिए इस हिस्से को पता नहीं चल रहा है, देखिए ये सब दिख रहा है। इसको और अच्छा करने के लिए ये जो तस्वीर वाला जो लेयर है सबसे ऊपर है, और ये जो ब्लैक वाला जो ब्रश वाला लेयर है, इसको ठीक ड्रैग करके यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। ये देखिए ऐसा फील होगा जैसे ये तस्वीर अंदर चला गया है, देख सकते हैं इस तरह से। इसको हल्का सा यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए मैं इधर लगा देता हूँ, और हल्का सा इसको इस तरह से और इधर भी इस तरह से ड्रैग कर देना है। ये देख सकते हैं इस तरह से इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाएगा, देख सकते हैं। और बड़ा करना है तस्वीर को तो कंट्रोल टी से इस तरह से आप बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे इस तरह से। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और भी तरीके हैं लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ जिससे आप कर पाइएगा। देखिए सब कुछ हो गया, थोड़ा सा इसको और इधर लेकर आते हैं ये तस्वीर को। ये देखिए यहाँ तक तो समझ में आ चुका है, सब कुछ कम्प्लीट हो गया। अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लाइट इफेक्ट दे देते हैं। इसके यहाँ पर लाइट इफेक्ट देंगे तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाला लेयर को यहाँ पर देखिए ये वाला सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट कर दिया, अब यहाँ फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लाइट है मेरे पास, एक लेंस फ्लेयर लाइट है, उसको लेकर आते हैं। ये देखिए लेंस फ्लेयर नाम का जो लाइट है, ये आप freepik.com नाम का वेबसाइट है, या गूगल में भी सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा लेंस फ्लेयर। इस तरह से लाइट लेंस फ्लेयर लिखिएगा, उसके बाद इसको क्लिक किया, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए आ चुका है। अब इसको भी क्या करेंगे, ड्रैग करके अपने इस डिज़ाइन वाले पेज पर ला कर रखेंगे। अब यहाँ से ये जो विंडो आया हुआ है इसे हम लोग क्लोज़ कर देते हैं। अब ये जो तस्वीर है इसको सिंपली इस तरह जो लाइट है इसको इस तरह से ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए मैं इसको ठीक ऐसे बराबर वे में इसको यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ, कर दिया, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग। लगाने के बाद अब क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल वाला जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके डाउन बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्रीन कर देते हैं। ये देखिए मैं इसको स्क्रीन पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए लाइट आपको इस तरह से दिखने लगेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर भी थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, अब उसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको मास्क करेंगे। जैसे ये वाला सिर्फ लाइट का एरिया रहे तो इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे एड लेयर मास्क का बटन दिया हुआ उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो आपका टूल बॉक्स है यहाँ ब्लैक होना चाहिए और यहाँ वाइट, उसके बाद ब्रश टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ब्रश का जो ये कंट्रोल वाला जो बटन है यहाँ पे बार है, यहाँ पे जाकर यहाँ से 300 ले लिया मैंने यहाँ से, इससे थोड़ा धुंधला वाला ब्रश लेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपरी हिस्सा है, जैसे यहाँ पर थोड़ा लग रहा है कि लाइट ज़्यादा कवर कर दिया है, तो इस तरह से हल्का सा इस तरह से हम लोग ये जो एरिया है उसको सिर्फ लाइट के एरिया तक ही हम लोग इसको रखते हैं। ये देखिए रख दिया मैंने, यहाँ पर हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया। अब हमें चाहते हैं कि भाई ये जो लाइट है इसका एक डुप्लीकेट और बनाएंगे, तो यहाँ लेयर का पैलेट जाते हैं यहाँ पे और इस क्लिक करेंगे। इसको क्लिक किया मैंने और इसको ड्रैग करके ठीक नीचे यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बन के तैयार हो गया। देखिए बन गया, इससे ये थोड़ा सा डीप हो गया, देख सकते हैं हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक और इसका डुप्लीकेट बनाते हैं यहाँ से ड्रैग करके, इसको ठीक यहाँ पे लाएंगे, एक और इसका कॉपी बन गया। सिंपली यहाँ पे लाके इसके चेहरे के पास रखेंगे तो ऐसा इफेक्ट अच्छा लगेगा देखने में। ये देखिए एक यहाँ रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं इस जगह पर, तो लेकिन बेस्ट है इस जगह पर लगाइए तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक हो चुका है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं डुप्लीकेट कर देने से क्या होगा, ये जो डीपनेस है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऑफ कर देंगे तो ये देखिए हल्का सा लाइट है, लेकिन इसको दोबारा इसको डुप्लीकेट एक और कॉपी बना के ठीक उसके ऊपर लगा देने से क्या होगा, वो डीप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लग गया, ये समझ में आ चुका है। या ऑल्ट पकड़ के ड्रैग कीजिएगा तो भी डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ तक तो कम्प्लीट हो गया। अब इसको हम लोग, ये तो नॉर्मल कलर है, इसको हम लोग बैकग्राउंड वाला कलर भी करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ जो बैकग्राउंड, जैसे ब्लू कलर जो होना चाहिए, जैसे इस डिज़ाइन को मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो डिज़ाइन हम लोगों ने किया है देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला ब्लू कलर का देखिए तस्वीर यहाँ दिख रहा है, वो वाला दिखाता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे अब टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे लेयर ये वाला सिलेक्टेड है, अब यहाँ पे नया लेयर एक क्रिएट किया मैंने। अब यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करके कर्सर आएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ हैप्पी, एच ए कैपिटल से लिखते हैं, एच ए पी पी वाई हैप्पी लिख दिया, देख सकते हैं लिख दिया मैंने हैप्पी, सिर्फ सिंपल सा लिखा है मैंने। अब आप चाहें तो इसको कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से टाइप टूल पे क्लिक किया, अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। अब जैसे ब्लू नहीं करके इसको वाइट कर देते हैं, यहाँ से इसको कलर चेंज करेंगे। ये देखिए कलर चेंज कर दिया, लेकिन टेक्स्ट जो लिखा हुआ है डिज़ाइनर टेक्स्ट होना चाहिए। तो टाइप टूल पे क्लिक करेंगे, इसको हम लोग सिलेक्ट किया ऐसे, और यहाँ से एक अच्छा सा फॉन्ट लेंगे। जैसे यहाँ से बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, कोशिश करें जब भी आप डिज़ाइन बने तो थोड़ा डिज़ाइनर फॉन्ट लें। तो यहाँ पे स्टेंसिल नाम का फॉन्ट है, ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे आ गया। आने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे इसमें शैडो देने से अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं और यहाँ पर ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे, ये देखिए। और यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से नॉर्मल, फिर इसको थोड़ा ड्रैग किया और डिस्टेंस बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये मैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, स्प्रेड कर देंगे, ये ठीक है। साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखने में अच्छा लग रहा है। देखिए हो गया। अब क्या करेंगे, इसी का एक डुप्लीकेट, बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पर न्यू लेयर एक क्रिएट कर देंगे। ये एक बन गया। अब यहाँ से लिख दे हैप्पी बर्थडे लिखना है, तो यहाँ पर जो भी लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते बर्थडे, बी आई आर टी एच बर्थ डे कर देते हैं। लेकिन देखिए सेम कलर जो फॉन्ट यहाँ ऊपर है, सेम टू सेम फॉन्ट हो रहा है। तो इसको दूसरा फॉन्ट हम लोग लेंगे, यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे, दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा। सेम फॉन्ट में जब भी आप डिज़ाइन करें, अलग अलग स्टाइल लें, अलग अलग फॉन्ट से अलग अलग टेक्स्ट लिखें तो देखने में अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ जैसे ये वाला बूचैट एमएस फॉन्ट है, ये अच्छा लग रहा है। अब इसको क्लिक करके यहाँ पे हम लोग देखिए, अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। या तो इसको बड़ा कर दीजिए या तो इसको थोड़ा छोटा कीजिए, दोनों को सेम नहीं रख के नॉर्मल सा इस तरह से यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हो गया, इसको लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका कलर बैकग्राउंड के साथ मैच होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इस फोटो वाला जो लेयर है, यहाँ पे फ़ोटो वाला लेयर पे जाते हैं, फ़ोटो वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्टली आप इस पर अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे हैं हम लोग, एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी देखिए है, ये टेक्स्ट वाला लेयर सिलेक्टेड है, मुझे डायरेक्टली इस डिज़ाइन से ही फ़ोटो वाला लेयर पर जाना है। तो सिंपली आप फ़ोटो के ऊपर माउस पॉइंटर रखिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर दिख रहा है, देखिए लेयर फोर, ये देखिए ये दिख रहा है आपको। तो उसी तरह इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, ये देखिए लेयर टू लेयर थ्री यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे लेयर थ्री पे क्लिक करेंगे, देखिए ये फ़ोटो लेयर सिलेक्ट हो गया, फ़ोटो वाला लेयर सिलेक्ट किया। और यहाँ पे नीचे देखिए बैकग्राउंड वाला लेयर है, ये वाला ब्लू कलर वाला। फ़ोटो लेयर सिलेक्ट करने के बाद नॉर्मल जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डाउन बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर कलर है, ल्यूमिनोसिटी बोल के ल्यूमिनोसिटी है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक बैकग्राउंड वाला कलर देखिए इसमें आ चुका है, सिंपल है। देखिए आ जाने के बाद सब कुछ बन के तैयार हो गया, रेडी हो गया, एवरीथिंग ऑल राइट। अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज फिर से पहले जैसा करना है तो नॉर्मल कर दीजिएगा। तो ऐसा आप डिज़ाइन रखना है, या आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज चाहते हैं कि नहीं, इसका ठीक बैकग्राउंड के साथ ही कलर मैच करें, तो फ़ोटो वाला लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ नॉर्मल वाला जो बॉक्स है यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से ल्यूमिनोसिटी पर क्लिक कर दीजिएगा। देखिए इस तरह का डिज़ाइन बन गया, सिंपल है। इसको आप बड़ा छोटा पिक्चर को चाहें तो और बड़ा करना चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, इस तरह देखने में अच्छा लगेगा। ये देखिए ड्रैग कर दिया कंट्रोल टी से करके आप इसको स्केलिंग कर सकते हैं। बन गया, बन जाने के बाद अब एक और काम कर सकते हैं, यहाँ फाइल में जाके यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर दीजिए और सेव एज का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ से जिस जगह भी सेव करना है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, जैसे सेव इन पीएनजी में सेव करना है, फाइल का नाम दे देते हैं, जो भी नाम देना है, जैसे डिज़ाइन वन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मेट है, देखिए फॉर्मेट में जेपैक फॉर्मेट सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जेपीजी ऑप्शन आएगा इस तरह से, यहाँ पे नन, यहाँ पे क्वालिटी 12 मैक्सिमम किया है, यहाँ पे स्मॉल फाइल है, लार्ज फाइल है, तो मैंने ज़्यादा बढ़ा के रखा है, साइज़ बढ़ेगा लेकिन क्वालिटी अच्छा आता है, वो ओके पे क्लिक कर देते हैं।
बन के तैयार हो गया मेरा डिज़ाइन। अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं, अब थोड़ा देख लेते हैं बना है कि नहीं। फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं, ओपन का डायलॉग बॉक्स आ गया। पीएनजी फोल्डर के अंदर सेव कर किया था मैंने। अब डिज़ाइन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि हाँ भाई मेरा डिज़ाइन तैयार हुआ है कि नहीं, इसी से भी पता चलेगा। यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए डिज़ाइन वन नाम से है, इस पर क्लिक करेंगे फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट आपको दिख रहा है, डिज़ाइन बनके तैयार हो गया। तो सिंपल तरीके से इस तरह से आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही डिज़ाइन है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए। तो इस तरह से इजीली आप डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।